Hello everyone, good evening. I hope you all are doing good. We are all so fine, alhamdulillah. And yes, welcome back to our channel with another vlog. और सीन कुछ ये है कि आज हम जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट. वैसे तो लुलु हाइपर मार्केट कतर में 4, 5 या 6 है, ये नहीं मुझे पता टोटल कितनी है, लेकिन सब जो है ना वो अलग अलग जगह पे है. एक तो हमारे पास है वो ग्राफा में है लुलु. अभी हम जो ग्राफा में है लुलु उधर जा रहे हैं. गाड़ी में जब भी बैठे कासिम अबिया को अपना मिल्क याद आ जाता है. अभी इस रोड पे रेड सिग्नल जो है ना वो चल रहा है, और हमारे साथ ही है ना जो वो पिज़्ज़ा बाइक है, और दूसरी साइड पे भी दो बाइक्स है, वो भी आपको दिखाऊंगी. ये थी वो दो बाइक्स, और बैक साइड पे भी 4 बाइक्स हैं. रात के टाइम लोग ज़्यादा डिलीवरी करते हैं ना, तो इसीलिए पिज़्ज़ा बाइक्स है ना उनका भी रश ज़्यादा है. अभी इधर राइट साइड पे ना बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, वो हाफ तो गुजरेगी, मुझे बाद में वो नज़र आई. लाइटिंग हुई है बहुत ही प्यारी कलरफुल, ये देखें. इधर राइट साइड पे बसेस वगैरह खड़ी हैं, ये किसी कंपनी की हैं. इधर लेफ्ट साइड पे है ना R&B की है बड़ी शॉप. वैसे तो सिटी सेंटर में भी 2 शॉप्स है R&B की, लेकिन इधर है ना इन्होंने ऐसे सेपरेटली बनाई होती है. ऐसे अंसार गैलरी भी अलग से बनी हुई है, अंसार गैलरी की भी शॉप, वो भी बहुत बड़ी है, और ये भी है ना R&B की बनी हुई है. अभी मैं आपको जो व्यू दिखा रही हूँ ना, ये सुबह के टाइम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, इतना अच्छा लगता है ना. अभी रात का टाइम है तो इतना क्लियर लाइटिंग की वजह से नहीं इतना आ रहा जितना ये दिन को अच्छा लगता है. देखिए राइट साइड पे भी कोई मॉल लग रहा है, लेकिन हम तो बस ज़्यादातर सिटी सेंटर जाते हैं या लुलु जाते हैं, ज़्यादा हमारा सिटी सेंटर ही जाना होता है. मीरा पे भी बस कभी कभी है, मीरा पे ग्रोसरी के लिए चले जाते हैं. पार्किंग है ना जो वो हमें लुलु हाइपर मार्केट के सामने बिल्कुल फ्रंट पे मिल गई है. अब हम जाएंगे लुलु हाइपर मार्केट के अंदर. लुलु हाइपर मार्केट के जो बाहर बना उसका उन्होंने ऐसे है ना डिफरेंट कलर के फ्लैग्स लगाए होते हैं, पता नहीं वो डिफरेंट कंट्री के लगाए हैं या वैसे ही कलरफुल है. ये देखें आप, हम फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन गए थे. फ्राइडे और सैटरडे को रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस दिन है ना सब जो वर्कर्स होते हैं ना उनका ऑफ होता है. तो अशफाक बोल रहे थे कि आज जो है ना रश बहुत ज़्यादा होगा, तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, रश है तो हम तो जाएंगे, रश हमें क्या कहेगा. तो जब हम गए वाकई बहुत ज़्यादा रश था. लुलु में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे. इधर लेफ्ट साइड पे है ना ज्वेलरी शॉप है स्माइल लिप्स, और इसके बिल्कुल सामने है जो वो सेक्शन आ जाता है लेडीज मेंस चिल्ड्रन क्लॉथ है. अभी हाँ की कार. अभी मैं जैसे गुजर रही थी तो इधर मेरे पे नज़र ना बेबी ट्वाइस पे पड़ गई, मैं इसे पकड़ के देखने लगी, और अभी हर की भी नज़र पड़ी, अभी हर रोने लगी कि ये मुझे दे दें. अभी इस साइड पे बेबी बैग्स लगे हुए हैं, बेबी के जो भी चीज़ें वगैरह पैक करने के लिए लेके जानी हो आउट साइड, और इस साइड पे भी लेडीज़ बैग हैं. ये ज्वेलरीज के सेक्शन है, और इधर बैंगल्स वगैरह है, हर कैटेगरी की है. बिल्कुल इसके सामने ना बच्चों के जो हेयर बैंड है ना वो लगे हुए थे, तो फिर ये जो कैचर है ना ये मुझे पसंद आ गए, मैंने अपने लिए ले लिए, और अभीहा के लिए ये मुझे हेयर बैंड अच्छे लगे तो ये मैंने रख लिए. मैं और कुछ चेक कर रही थी अभीहा के लिए, ये ऐसे हेयर बैंड तो अभीहा के पास काफ़ी पड़े हुए हैं, और इधर आगे बैग्स कलेक्शन भी इनके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत वैरायटी है इनके पास, आप देख सकते हैं. इधर जो बैग सेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, बैग्स के बिल्कुल साथ ही जो बच्चों के क्लॉथ वगैरह है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं. अभी इनके साथ ही मुझे है ना वो अभीहा की जो हेयर बैंड्स है ना उन पे नज़र पड़ी, और उनके साथ ही थी वो
इयररिंग्स भी लगे हुए हैं, ये देखें, ये भी डिफरेंट डिज़ाइन के हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हेयर बैंड्स हैं ना, पोनीज वगैरह है ना, तो ये कलरफुल थी तो ये मुझे अच्छी लगी। इसमें दो चॉइस थी, एक स्टोन में थी और दूसरी थी ना वो डब्बी की शक्ल में बनी हुई थी, जो डब्बी वाली थी ना वो मुझे बहुत प्यारी लगी। तो फिर अभिया के लिए वो ले लिया, वो 10 का पैक था, उस एक पैकेट में 10 थी और 10 नहीं टोटल 20 थी, तो 10 कलर थे उसमें। इधर गोन्स के भी काफ़ी स्टार लगे हुए थे, लेकिन मुझे तो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल गोन पसंद है। और ये शर्ट है, ये भी बहुत प्यारी थी, लेकिन मैं तो नहीं ऐसी वेयर करती, जो ऐसी वेयर करती हैं ये सब उनके लिए है। और इधर जो है ना ज़्यादातर लोग लॉन्ग फ्रॉक है ना, वो लॉन्ग फ्रॉक टाइप वेयर करती हैं इंडियंस, दूसरी कंट्री की भी लॉन्ग फ्रॉक वेयर करती हैं, लेकिन हमारे तो वही है कि वो ट्रोज़र शर्ट ही है जो आम चलता है। तो इधर आपको ज्यादातर है ना फ्रॉक में ही मिलेगी। इधर जो है ना ये सेक्शन सारा नाइट वेयर का, इधर नाइट वेयर है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो है ना मैं वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी हाँ जो है ना वो मेरे पास है, वो साथ ही पीछे बोल रही है, और काशी जो है ना वो अपने पापा के साथ मीरा गया है। ये जो सेक्शन है ना, इधर लेडीज की साड़ी वगैरह लगी हुई है, और इधर आपको ट्राउजर शर्ट 3 पीस हर तरह की इनके पास है ना वैरायटी है। ये देखें, ये जो है ना सारा इंडिया की शर्ट वगैरह है, इंडिया की है ड्रेसिंग, ये भी फ्रॉक्स लगी हुई हैं। इंडिया की जो स्टिचेस होती है ना वो बहुत बेस्ट होती है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है फैंसी फ्रॉक इस साइड पे, ये देखिए ये फैंसी फ्रॉक है। ये जो फ्रॉक्स है ना ये सारी एक दूसरे से प्यारी हैं, एक दूसरे से अच्छी हैं। जो भी फ्रॉक देखो वो ये जो ब्लू वाली है ना, ये भी मुझे अच्छी लगी थी, ये बहुत प्यारी थी। और इसके साथ ये भी इधर काफ़ी थी। अगर ये मैं शर्ट्स वगैरह है ना जो क्लॉथ है ये मैं आपको डिटेल से दिखाने लग जाऊँ तो इसी पे एक व्लॉग बन जाएगा। तो बस मैं ना जो हल्की हल्की सी झलक है ना वो दिखा रही हूँ। ये जो ग्राफा लुलू है ना, इधर तो जो ये ड्रेस वगैरह ना इनकी काफ़ी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा है। मैं इधर क्लिप्स जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही थी, अशफाक और बच्चे हैं ना वो आगे चले गए थे। अगर सेपरेट दुपट्टे वगैरह लेने हो ना, स्टॉलर्स वगैरह, वो भी ऐसे इन्होंने रखे हुए हैं, कैटेगरी में भी है, हर कैटेगरी में है। और इधर भी फ्रॉक्स वगैरह लगे हुए हैं फैंसी, और ये सामने भी इस साइड पर भी बहुत ज़्यादा है। अभी कासिम भी है ना, ये भी साथ ही बोलने लगा है, कुछ बोल रहा है, मम्मा गो मम्मा गो। और इधर थी वॉच। ये जो राइट साइड है ना, इधर जो बच्चों के सैंडल्स वगैरह है, शूज़ वगैरह है, वो है। इसके साथ ही ना ये लेडीज़ शूज़ है ना, ये स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये जो है ना ये बहुत ही बड़ा जो फर्स्ट फ्लोर है ना, तो ये मैंने कुछ पार्ट इसका फर्स्ट फ्लोर का ना आप लोगों को दिखाया है। वैसे ये और भी है, दूसरी साइड पे मैं नहीं गई। जो ये फर्स्ट फ्लोर की क्लिप्स बनाए हैं ना, तो इसी से ही एक व्लॉग जो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो अभी जो इसका ग्रोसरी वगैरह की है ना, या कुछ चीज़ें ली हैं जो हमने ऊपर से बच्चों के कपड़े वगैरह लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों को ना घर जा के दिखाऊँगी। वो आप मेरे दूसरे व्लॉग में देखना। अगर मैं इसी में ये सब ऐड कर दूँगी तो ये ज़्यादा ही जो है ना वीडियो लंबी हो जाएगी। इस साइड पे होम डेकोर पीस आ गए हैं।
और इधर जो है ना अभी मेरी नज़र पड़ी है कि जो बच्चों की बर्थडे वगैरह है ना उसकी भी इधर है ना डेकोरेशन वाली चीज़ें सारी पड़ी हुई थी, तो वो मैं देखने लग गई। लूलू से शॉपिंग या ग्रोसरिंग वगैरह करने का फ़ायदा ये है कि इधर से ना आपको पॉइंट्स मिलते हैं, यानी अगर आपका 100 पॉइंट है ना तो उसके आपको बदले में 100 रियाल मिलेगा। इस साइड पे फ्लावर्स वगैरह है और साथ ही वेज वगैरह लगे हुए हैं, और इधर अभी इशफाक अबीहा को भी ट्रॉली में बिठाने लगे हैं। अबीहा भी तंग कर रही थी, ये चीज़ों को हाथ लगा रही थी। इस साइड पे कासिम की ना कार वगैरह देख रहे हैं। जब भी बाहर आए कासिम की कार तो मस्ट होती है ना, कासिम को कार बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे जो है ना टॉयज़ ये बीज वाले, ये कासिम को पहले लेके दिए थे, वो कासिम ने अभी तोड़ दिए है। और ये मैं अबीहा के लिए डॉल्स देख रही थी। वैसे तो अबीहा की जो 2 डॉल्स है ना वो घर पड़ी हुई है, अभी वो मैंने इसे नहीं दी खेलने के लिए। तो इधर से मैं कुछ देख रही थी अगर नॉर्मल प्राइस में मिल जाए। बच्चे जब भी बाहर तंग करें ना तो मैं उधर से उठा के कोई ना कोई खिलौना इन्हें कासिम और अबीहा को दे देती हूँ। जब हम जाने लगे हैं ना तो फिर वो लेके रख देते हैं। अभी अबीहा तंग कर रही थी, मैंने डोल लेनी है कासिम के लिए ना, ये जो कार है ना ये पसंद आई है, अभी ये कासिम के लिए ले ली है। कासिम के ना ये कार जो है ना इसके साथ एक रिमोट भी था और सेल वगैरह भी थे, तो ये जब हम लेके गए ना तो कासिम को निकाल के दे दी खेलने के लिए। कासिम ने सुबह के टाइम इसकी जो बैक साइड है ना वो जो अटैच थी ना उसके साथ वो उसने तोड़ दी, तो अभी इशफाक ने जब शाम को ड्यूटी से वापस आना था तो तब वो फिक्स करने थे सेल वगैरह ना, अभी चला के नहीं देखा था। कासिम जो है ना वो दूसरी कार को देख रहा था कि मैंने वो लेनी है। अभी मैं कासिम को ये बॉक्स दे रही हूँ कि कासिम ये आपकी कार है ये ले लो। अबीहा के लिए तो कुछ नहीं लिया था, अभी मैं इशफाक से बोल रही थी कि आपने अबीहा के लिए कुछ नहीं लिया, कासिम के लिए कार ली है। जब भी आप कोई चीज़ लो दोनों के लिए सेम बराबर लो। अभी अबीहा रो रही थी कि मैंने भी लेना है, अबीहा से जो डॉल्स वगैरह थी ना वो लेके रख दी। तो फिर इशफाक है ना वो दूसरी साइड पे इधर चले गए अबीहा के लिए कुछ देखने के लिए। इस साइड पे एयर कूलर, इलेक्ट्रिक जो भी LED है ना वो सारी लगी हुई है, और इलेक्ट्रिक मशीनरी वगैरह आपको इधर से मिल जाएगी। मैं अभी इस साइड पे आ गई अबीहा के लिए कोई टॉयज देखने के लिए जो नॉर्मल रेंज में हो। इधर मैं सब ट्राई कर रही थी लेकिन मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला, फिर मैं वापस चली गई। इशफाक मेरा वेट कर रहे थे कि मैं इधर आऊँ, और भी इशफाक जो है ना वो अबीहा के लिए कोई टेडी बियर्स वगैरह देख रहे हैं। तो फिर मैं इशफाक के पास गई, मैंने कहा आप इधर क्या देख रहे हैं, तो बोल रहे थे मैं अबीहा के लिए कुछ टॉयज वगैरह देख रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला कि रहने दे अबीहा कैसे घर पड़े हैं। कसम चैट मेरी तरफ करो, कैट इधर करो। ये जो कैट है ना ये अबीहा के लिए उठा के ले आई थी ताकि अबीहा चुप कर जाए, अबीहा इसे बड़े मज़े से लेके बैठी। इशफाक जो है ना वो इधर प्राइस टैग लगवा रहे थे, और मैं ये जो लर्निंग टॉयज है ना इधर मैं राउंड करने आ गई, तो इनकी प्राइस मैंने चेक की, ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो फिर मैं बस आ गई देख के। इधर पेमेंट वगैरह हो चुकी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम जा रहे हैं इस ग्राउंड फ्लोर में ग्रोसरी के लिए, ये आप सेकंड पार्ट में देखना।